काला कलोटा सारा। बोल अब तू। मैं जा रहा हूँ दावत। क्या है ए बोल। मैं जा रहा हूँ दावत। क्या बात समझे? आप बोल क्या बोल रहा है? सागर जा रहा बाथरूम। मम्मी ने कही सागर सुन, सागर कह रहा मुझे कोई टट्टी जान देगा ना जान देगा। इसमें हरा धनिया ऐड होगा और उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे फिर हमारे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा काम है। एक तो शॉपिंग व्लॉग मुझे शूट करना है जो मैंने कल नहीं किया और आज वो वीडियो जाना भी है। ऊपर से मुझे बनाना है नाश्ते में ब्रेड रोल, तो उसके लिए भी जो है दोनों का काम जो है एक साथ ही जो है होगा। और अभी मैंने अपने बाल भी सुखाए नहीं हैं अच्छे से, फटाफट से मुझे ये काम करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आलू रख दूँगी कुकर में। इतने आलू बॉईल होंगे, इतने मेरा वीडियो का थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल शूट नहीं किया। असल में कल जो है मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड आ गई थी, काफ़ी टाइम उसी के साथ निकल गया, तो फिर वीडियो का फिर ऐसे कोई रहा नहीं, फिर शूट ही करना था। मैंने सोचा सुबह कोट के कर लूँगी, और अब इतनी आफत है कि शूट भी करना है और नाश्ता भी बनाना है, तो दोनों काम साथ ही करने हैं और एक नया ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो चलते हैं किचन में। काला कलोटा सारा। बोल अब तू। मैं जा रहा हूँ दावत। क्या है ए बोल। मैं जा रहा हूँ दावत। क्या बात समझे? आप बोल क्या बोल रहा भाई? बोल। मैं जा रहा हूँ दावत में। हाँ तो पिज्जा भी होएगा, पिज्जा मंचूरियन भी होएगी और तू खा खिचड़ी। चल मैं खिचड़ी बनाई ना री, हट जा। मुझे वीडियो बनाना है। जब खुद तो जा रहा दावत में, मुझे ऐसे ऐसा चिढ़ा के जा रहा है। मैं मंचूरियन के मैं खाऊंगा। चलो अब शूट करते हैं वीडियो। मैंने अपना शॉपिंग व्लॉग बना लिया। सामान देख रहे हो किस तरीके से फैला हुआ है, अगर नहीं देखा तो इससे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो एडिट करी है, अपलोड करा है। अब जाके मैं अपना नाश्ता बनाने वाली हूँ, इसे बाद में संगाऊंगी क्योंकि नाश्ते को बहुत ज़्यादा जो है लेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लाओ हम खाएंगे प्याज। ये जा रहा दावत में। बाय यार, यूँ बढ़िया इसके किसी ना किसी दोस्त की शादी होती रहे। गेट बंद करके जा बदतमीज सा। किसी ना किसी दोस्त की शादी होती रहे, वह जाता रहे, वह फोन पे फोन आने। देखो जो ये हमारे हैं आलू और इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। इसमें हरा धनिया ऐड होगा और उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, फिर हमारे पिट्टी बनकर तैयार। मेरा बन गया है। आज मैंने शैगी को भी एक ब्रेड रोल दे दिया। देखो ये रहा, पीछे से खाने की कोशिश कर रहा है। मिर्च लग रही है वैसे इसे, पर हमारा टाइगर तो नमक का खाता नहीं था, तो इसे जो है थोड़ा थोड़ा सा नमक मिर्च का हम लोग खवाते हैं, तो धीरे धीरे करके खा रहा है। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं खा के मिलती हूँ, उसके बाद संगवाऊंगी। ये सब कुछ पहले खा लूँ आराम से। ये है मेरा रात का डिनर। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, खाना खाने का मेरा मन नहीं है, तो मैंने एक टमाटर और आधी जो है ये ली है मूली। गाजर ख़त्म हो गई तो वो नहीं है, इसे ही खाने वाली हूँ मैं। सागर कहाँ है तू? हाँ, तू कहीं का प्राइम मिनिस्टर है? एक बार मैं फोन क्यों ना उठाता? फोन देगी अपना। ओ एटीट्यूड बहुत ही बुरा लग रहा। चंका पंखा। मेरी तारीफ में 2 वर्ड बोल, जब घर में घुसने दूंगी। बोल। तारीफ किस चीज की करूं? मेरी कर। कुछ जल्दी बोल, देख सिकल देख से मेरी तारीफ कर। फुंसी हो रही। फुंसी? यू एक दाना निकल रहा। फुंसी फुंसी बता पिट जाएगा। पिट जल्दी बता क्यों करना। 2 तारीफ में पढ़। बहुत सुंदर लग रही है। एक ही दूसरी तारीफ पतली लग रही है। अब तू घर में क्या, तू मेरी कोई भी चीज ले सकता है। मुझे वो मंगवाना है गुस्तों के साथ ही। पहले मैंने पूछी, फिर पापा ने पूछी कहाँ, अब मम्मी ने पूछी कहाँ। इन्हें फोन न उठाया, सब लोगों ने फोन करे है इसे। क्यों हो रहा है यहाँ? यहाँ अपने दुख बताओ, क्या दुख है आपको? मेरे को 10 मिनट हुई ना। मैं भी दूध लेकर आया। और एक कमी नहीं, ये मैं वजन कम कर रही हूँ इधर खा के। तो आएगा बता दिक्कत क्यों ना होगी? जब आंखों का तारा ओझल हो जावे दिखता ना। 10 मिनट क्यों गए? टाइम देख 8:20 हो रहे। घर से निकलने का टाइम नहीं है ये। तो जब जिम से आज संडे है, आज तो तुझे घर से भी बाहर भी जाना चाहिए। सागर जा रहा बाथरूम। मम्मी ने कही सागर सुन, सागर कह रहा मुझे कोई टट्टी जान देगा ना जान। रात के बज रहे हैं 9:20। बाहर की जब लाइट जला देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे पर्दों में से रोशनी आना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने अभी सिर के दर्द की गोली खाई है। पता नहीं क्यों मेरे शाम से हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन अब इतना ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो व्लॉग बनाना पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पा रहा। मैं तो सोऊंगी आराम से। पता है मैं डॉक्टर के, मेरा मन नहीं करता। मुझे घर में सब लोग बोलते हैं डॉक्टर के चली जा चली जा। मेरी इधर वाली डाढ़ में कभी भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कभी भी। और इतना तेज़ी से होगा, जैसे मेरे डाढ़ में पहले भी दर्द हुआ है, लेकिन वो हल्का हल्का सा होता है। लेकिन ये जो वाला जो ऊपर वाली डाढ़ में दर्द हो रहा है मेरे में, वो इतना तेज़ी से, मतलब ये मान लीजिए 5 मिनट में वो ऐसा हो जाएगा दर्द कि मेरे सिर की ये नसें ना, ये भी दुखना लग जाएंगी। ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ होगा और इतना तेज़ तेज़ मेरे वो दुखने लग जाएंगे। फिर जब मैं सांस लेती हूँ ना, तो हवा से भी जो है उसमें चीस लगती है। इतना ज़्यादा मेरे दर्द होता है। लेकिन वही है, पता नहीं क्यों मेरी डॉक्टर के कौन कौन मेरी तरह है। डॉक्टर के जाने से बहुत ही ज़्यादा मनु, मान लीजिए डॉक्टर के जाना मुझे बहुत बुरा लगता है। स्पेशली मुझे डॉक्टर के जाना ही पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ हो जाए घर में, हो जाए घर में। तो उस टाइम पे जब मेरे दर्द होता है, तो मैं लौंग दबा लेती हूँ दाढ़ के नीचे। 5-10 मिनट में वो मेरा दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन लौंग गर्म होती हैं, जिसकी वजह से जो है मेरे, देखो ये पिंपल निकल रहे हैं, क्योंकि वो दाढ़ में रहती है, खाई जाता है आदमी उसे। तो वो जो है उस वजह से, जो है गर्म होने की वजह से मेरे 1-2 चेहरे पे जो है पिंपल निकल रहे हैं। तो बस देखते हैं कब मेरा, कल तो नहीं जाऊंगी, परसों को पक्का। परसों को शायद हमारे यहाँ का मार्केट बंद रहता है। परसों या पहले दिन को मैं पक्का डॉक्टर के जाऊंगी, प्रॉमिस। तो आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि मेरा इससे ज़्यादा व्लॉग बनाने का कोई मूड और मन नहीं है। मम्मी जो है अभी चाय बना के मुझे दे के गई हैं कि चाय पी, और लौंग की चाय है, थोड़ा आराम मिलेगा, और आराम से सो जा। तो बस मैं भी अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल को मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे ज़्यादा लेटेस्ट आपको जानकारी मिलती है। और आजकल मैं रील भी बनाती हूँ, और अच्छी बना लेती हूँ। आप लोग बताना कैसी बनाती हो कमेंट करके, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।